एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम बात करेंगे बाबा साहब के दृढ़ निष्ठा और संकल्प की। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद और काठमांडू में दिए गए विशाल भाषण के बाद नेपाल के महाराज के कुछ अधिकारियों ने बाबा साहब से प्रार्थना की कि वह नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर और स्वयं भूमि बुद्ध विहार पधार कर दर्शन कर सकते हैं। उनके साथ परिषद के कई सारे प्रतिनिधित्व गण भी तैयार हो गए, जिसमें से कुछ बौद्ध भिक्षु भी थे, किंतु बाबा साहब ने उन्हें साफ मना कर दिया। क्या उन्होंने कहा कि जब मैं हिंदू ही नहीं हूं तो हिंदू मंदिर में जाकर क्या करूंगा। बाबा साहब की इस दृढ़ निष्ठा और तृतीय संकल्प को देख के सभी हैरान रह गए, किंतु पशुपतिनाथ मंदिर के पांडे पुजारी इस भय में थे कि कहीं बाबा अम्बेडकर साहब उनके मंदिर में जाके उसे अपवित्र ना कर दे। इसीलिए उन्होंने अपने मंदिर के बाहर बड़े बड़े तारे लगा के वहां से भाग गए। क्या विश्व के बौद्ध नेता होने के बावजूद भी बाबा साहब का इतना अपमान जरूरी था? किस तरह से पंडित ने यह घटना करके उन्हें ये बता दिया है कि वो आज भी एक अछूत ही हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।